ठीक है सालू देख रही टिकट है। ठीक है चलो हाँ अल्लाह हाफिज। खोल लिया चोरों की तरह। रिजा इसका वो नेम वाला लेना है लाइट वाला। हमारे एग्जाम्स हो जाए फिर चलेंगे ठीक है। ये सही है ना रिजा? ये मुझे लगता है लाइट है। वी हैव टू मेक इट लिटिल डार्क। तुम आई नहीं इतने दिन से, तुम बिजी बिजी हो। काफी कुछ हो गया ना? लाइट तो ये ऐसे के लिए छोड़ा है क्या भैया? इतना खुला लगेगा है ना? उन्होंने किचन, भाभी ने किचन बढ़ा दिया। यहाँ ज्यादा खुला लग रहा है ना? हाँ ना, थोड़ा बिल्डिंग क्या लेके बैठो इधर कॉपी लेके। एक से भी बहुत रोशनी आ रही है ना? और वो एक ही तरफ वाली थी, चार लग वाली चाहिए ना पूरी? नहीं नहीं चार है, छह है। हाँ वही तो, एक से एक ही तरफ जाएगी। सात नहीं, 8 मार्च को फ्री हो, फिर उसके बाद जो करना है करना। मुझे खालों को बाजार तक लेके जाना था तो मैं बस अभी आज शाम को लेके जा रही हूँ। और ये देखो रेहान को कह रहा है हमें सेब काट के दो, तो हमने काट के दिया। देखो बाहर से कितना अच्छा है। ऐसे ही होता है अंदर से देखो। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, बाहर से खूबसूरत दिल के खराब। ऐसे नहीं होना चाहिए। बस मैं रेडी हो गई हूँ, फिर खाला ने कहा कि शाम की चाय पी के निकलते, तो मैं खा रही हूँ न्यूट्री चॉइस वाला बिस्किट और ये है चाय। फास्ट में तो नहीं होगी वोमिट? नहीं। फ्रेंड्स खाला ने उस दिन बाली ली थी, उसकी एक बाली काफ़ी लूज थी, तो हम वही ठीक कराने फिर से आए थे ज्वेलर के पास। यहाँ पे वो एक बाली को ठीक कर रहे हैं और यहाँ से हम निकल गए दूसरे वाले मार्केट। वहाँ से अम्मी को और बेटी खाला को और अम्मा के लिए दुपट्टों के लिए कुछ लेसेस लेनी थी। और वहाँ से मैं अपना वीडियो अपलोड कर रही थी लेकिन नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तुम्हारा फेवरेट गाना बज रहा था, बहुत अच्छा। क्यों मस्त हटाओ? जाओ तुम चाहे जहाँ, खालू के लिए नहीं वैसे अच्छा लगता है। जाओ तुम चाहे जहाँ, आगे तो बताओ। याद करोगे वहाँ, बाहर से उतर रहे थे, उतरते उतरते वाला गाना है, जाओ तुम चाहे जहाँ याद करोगे वहाँ, तो उसी के लिए बेटी खाला गई थी। अब उतर रहे तो इतना अच्छा गाना। देखो हमसे कौन मिलने आया है। इतने दिन से आप क्यों नहीं दिख रहे थे? नीचे नीचे था, मैं हमेशा रनवे का मैच देखने आया था। अच्छा ना, बहुत प्यारा। अम्मा भी बोल रहे थे। हाँ आंटी भी बोल रहे थे। हाँ, हमने सबने इसको कहा था कि तुम घर आना, तुम इतने दिन से नहीं आया था, तो वो आज अपनी बात पूरी करने आया। फर्स्ट एग्जाम देखो, मैं भूख लिए बैठा हूँ। आपके एग्जाम्स कब है? अभी मैं है मार्च से लेकर अप्रैल मिड तक। अच्छा कैसे चल रहे हैं बताओ उसे एग्जाम? ठीक ठाक जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं। मतलब अपने को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है? आपको पढ़ाई भी करते हो ना? पहले पढ़ाई किया करो, फिर उसके बाद फ्री टाइम में देखा करो ठीक है? थैंक यू बाबू। अल्लाह हाफिज। रोनाल्डो पसंद है आपको? अपने रोनाल्डो। अल्लाह हाफिज। इसकी बातें मुझे इतनी दिल में चुभ गई थी, मैंने कहा सालू जब तक तुम उससे मिलोगे तुम नहीं जान पाओगे। बच्चे आते हैं उसकी तो बात तो कितनी प्यारी बातें करता है, प्यारे मासूम से, मतलब इनके दिल में कितनी कुछ नहीं होता सिर्फ प्यार के। और इतना अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। हमारे टाइम से ये चला रहा है गोइटर। 15 मार्च से शाम में ही शुरू करूंगा क्योंकि फिर मेरा अप्रैल में टूर्नामेंट भी है, उसके लिए प्रिपरेशन भी करना है, इसलिए अपना मोटापा भी कम करना है। सबा दीदी ने भी बोला था कि 10 किलो वजन कम करो तभी फुटवर्क अच्छा होगा। नेक्स्ट डे हो गया, रिजल्ट अपना एग्जाम दे के आ गई है। कैसा हुआ? बहुत अच्छा। और अभी एक सर्कुलर आया है कि एनुअल डे में कितने लोग घर से आने वाले, तो फॉर्म दे दो। तो कितने लोग जाएंगे? एक तो सारा 26 को। सारा सबको पता है, तो वो तो आएगी ना, किसी को भी पता ही नहीं पता। सारा तो आ रही है 16 को ना, 16 या 18। आज जैसा थोड़ी रिलैक्स लग रही है। 5 बोल नहीं, वैसे भी 4 तो हो ही रहे थे ना। एक टिकट मुझे मिलता तो मेरी तरफ से 2, रिहान की तरफ 2, एक एक्स्ट्रा कर देते हैं 5। ये तो ग्रैंड पेरेंट्स देखा क्या निकला ये, और पोपटी करा। और तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज नेक्स्ट डे हो गया है, जुम्मा लग गया है, तो बस अभी मैं नमाज पढ़ने जा रही थी। और जुम्मे को अम्मी सारी चीजें बहुत अच्छे से करती है, मतलब अच्छे से कपड़े पहनती है। मैंने भी आज ये पहन लिया अच्छे से कपड़े, मैं आपको भी फुल दिखाती हूँ। और अम्मी इतर लगाती है तो मैं अभी अम्मी से अभी लेके इतर लगा रही हूँ। अम्मी आप भी आज सलाम तो कर लो। अस्सलामु अलैकुम। जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। और आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? बिरयानी, कानपुर वाली बिरयानी की रेसिपी। अम्मी कब का है इतर? भाई लाया है क्या अजमेर शरीफ से? नहीं, ये खोलना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है? ये सऊदी अरब का है। ओ माशाल्लाह, कैसे ऐसे लगाते हैं ना? ऐसे लगा लेते हैं, बहुत ही अच्छी स्मेल है। सुरमा भी लगा? नहीं, नहीं बहुत काला मत दो। हाँ, कोई सलाई से लगाता हाँ। है तो मैं इसे बस करके लगा लो। तल ले लिया है? हाँ। नहीं आएगा, बस हो जाएगा, थोड़ा पक्का दिल करना, बस उसमें भी लगा। अम्मी क्या लगाती? बस उसमें भी लगा।
थोड़ी देर बाद कितना ठंड आएगा देखना। बंद करा, बंद करे करे लगा लो, आँख में लगाओ, उस आँख में लगाओ, यहाँ बंद करे ना, ऐसे अंदाज से लगाओ, अंदाज से, और खोलो अच्छे से खोलो, नहीं एक में कम एक में ज्यादा हो जाएगा। अरे मिर्ची जो को आ गई। नहीं अब बस दो मिनट बाद देखना, फिर तुम खुद बोलोगी कि अम्मी कितना। इससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी क्या मैम? नहीं जब ये सुरमा लगाने से अम्मी नहीं साफ होती है आंखें बस। मैं कहती हूँ सुरमा लगाने से आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। नहीं गंदगी सब निकल जाती है ठंडा, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी बहुत कम हो रही है, मुझे चश्मा लगवाना पड़ेगा। ये क्या लगवा दिया, एक बगैर लगने वाला भी है। तो फ्रेंड्स अम्मी ने सुरमा लगा दिया, लेकिन हाँ उस वक्त तो बहुत ज्यादा जलता है, बाद में थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है। आंसू देखे ये रुला दिया। चलिए अभी मैं चलती हूँ नमाज पढ़ लेती हूँ और उसके बाद से मिलती हूँ, उसके बाद बनाएंगे बिरयानी। में बनी है आलू और बीन्स की सब्जी। नमाज हो गई है फ्रेंड्स और अभी अम्मी मसाले निकाल रही है। ये वाली बिरयानी में ना सबसे ज्यादा मेन काम होता है मसालों का, अगर आपने वो पहले करके रख लिया तो फिर आपकी बिरयानी बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और कितनी चीजों की। तो सबसे पहले तो आप प्याज को काट के रख ले, हम 2 kg के हिसाब से 8 प्याज को काट के रखे। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम चावल को धो के पानी में भिगो के रख देते हैं। तेल है फ्रेंड्स वो कोशिश करिए रिफाइन ऑयल में ही बनाइए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले बताओ कि आप ये कौन सी बिरयानी बना रही हो और ये आपको रेसिपी किसने बताई थी? ये बिरयानी कानपुर की है और तुम्हारी बड़ी अम्मी ने बड़े पापा की दी थी। हाँ, आपकी बिरयानी हमने मदा में खाई थी। हाँ, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने पूरी बताई थी, तो उसीलिए हम तो उन्होंने हमें 1 kg के हिसाब से बताई थी। हम आज बना रहे हैं 2 kg चिकन के हिसाब से। तो ये तेल रख दिया है, ये आधा किलो से थोड़ा ज्यादा तेल है, रिफाइन ऑयल है, और उसके बाद ये 8 प्याज है जिनको काट के रख दिया है, इसमें तलेंगे। प्लेट देख लीजिए, हम 2 kg के हिसाब से हमने सारे मसाले निकाले। 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 5 पीस जावित्री के और 16 लौंग है, 20 काली मिर्चें, 10 है बड़ी इलायची है और 16 ये है छोटी इलायची। कुछ चीजें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो जितना आपको तेज या मसाला कम मसाला खाना है। सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करके अलग रख लेंगे और ये मसाले हमें सारे एक साथ पीसना है, काफी इजी हो जाता है, तो हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। प्याज यहाँ पे तल रही है, जो मसाले पहले मैंने थोड़े बड़े वाले डाले ताकि वो रोस्ट हो जाए, क्योंकि जो जीरा और सौंफ है वो एकदम से जल जाते हैं। अपने चावल पसाने के लिए रखना है ना, उसको क्या क्या उस पानी में डालना है वो हम आपको बताते हैं। भगोना ले लिया, इसमें पानी ले लिया। ये कितने किलो का भगोना है अम्मी? 5 किलो। 5 किलो का, तो मतलब 2 kg चिकन और 1.5 किलो चावल। चावल, मिर्ची, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, जीरा। डालेंगे ऑयल, क्योंकि ऑयल से ही अलग अलग रहते हैं चावल। और इसमें हम 1 या 2 नींबू निचोड़ देंगे। नमक तो भूल ही गए, ऐसे अंदाजा मिलता है। हाँ तो ऐसे ही डालो, नमक थोड़ा ज्यादा डालना है क्योंकि पानी निकल जाएगा ना। हमने जो मसाला रोस्ट किया था उसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद पीसेंगे। प्याज हो गई है तो इसे भी हम साइड में निकाल के रख लेते हैं। ये जो मसाला था फ्रेंड्स इसको अच्छे से पीस लेंगे। एटलीस्ट 6 to 7 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने 2 kg में। अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है, अभी हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को डाले हुए फ्रेंड्स इसमें 10-15 मिनट हो गए, हम इसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची डाल देंगे और अच्छे से मसाले को भूनने देंगे। पानी गरम हो गया है, खाला इसमें चावल डाल रही है, मुझे इसमें बहुत डर लगता है, एकदम गरम भाप निकलती है। ये हम नमक बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को थोड़ा कम लग रहा था और इसमें ज्यादा रखना है। जब 10-15 मिनट हो जाए इसको भूनते भूनते, उसके बाद जो सबसे पहले हमने मसाला पीसा था हम उसे डाल देंगे। बन गया है, गैस बंद कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे। भर चुका है तो उसका पानी हम इस तरह निकाल रहे हैं। ये चावलों को हम पसा लेते हैं फ्रेंड्स छन्नी में। चावल इस तरह हो गए हैं और अभी हम यहाँ पे सारे इस भगोने में जिसमें हमने चावल बनाए थे लेयर लगा लेंगे। अभी आ गई नमाज पढ़ के, वहाँ पे हम लोग की शाम की चाय बन रही है। मसाला है वो एकदम रेडी है, तली हुई प्याज रेडी है, चावल भी रेडी है, भगोना भी रेडी है, सब अम्मी भी रेडी है। सबसे पहले वो चिकन का ऑयल नीचे डाल देंगे, ऐसे नीचे थोड़े से चावल डाल लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद चिकन से मिलाते हैं बार बार पूरा करके फिर मिलते हैं। प्याज भी बीच में डालना है? हाँ डालेंगे ना। क्रिस्पी क्रिस्पी गरम गरम प्याज लग रही है। इसे क्या कहते हैं? काली मिर्च। काली मिर्च बीनती जा रही हूँ तो अम्मी कह रही है बिरयानी का मजा ही नहीं अगर ये मुंह में ना आए। ये कौन सी बात होती है, जब तक आए नहीं तो अच्छा ही नहीं लगता बिरयानी। आपको ये अच्छा लगता है? ये जहर है, जहर कोई नहीं खाता। काली मिर्च इतनी फायदे की चीज है तो मैं क्या पता सालू।
दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, अम्मी ने बिल्कुल ऐसे ही डायलॉग मारा है। पूरा हो गया है, कलर हमने ले लिया है केसरी रेड, घोल लेंगे नींबू के रस और इस तरह से ऐसे गड्ढा करके थोड़ा थोड़ा हमें डाल देना। अभी सारी चीजें डन है, अभी हम 10-15 मिनट के लिए तो धीमे आंच में रख देंगे थोड़ा सा दम मिलाने के लिए, और इसको हमने यहाँ पे चढ़ा दिया और धीमा कर दिया। चलिए थोड़ी देर चलते हम देख लेते हैं इसको मिक्स करके ये किस हाल में है, और उसके बाद फिर खाएंगे। भी खाने में तो एक्चुअली टाइम है, लकड़ी के चम्मच से करेंगे ताकि चावल ना टूटे। अच्छे से कुक हो गए हैं और अलग अलग भी है, फाइनली अच्छा होगा कि कभी कभी चावल ऊपर नीचे हो जाते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, मुझे भी इतना अंदाजा नहीं मिला। बिरयानी फ्रेंड्स रेडी हो गई है, उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी और समझ आई होगी। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग भी ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए, और क्या जब बनाइएगा तो इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करिएगा। सही है अम्मी, बहुत अच्छी। खैर आपने तो बनवाई है खड़े होके, लेकिन सही है अम्मी, परफेक्ट। बिल्कुल, तो सबको बोलो आप भी बनाना, सब लोग आप भी बनाना। हाँ। बहुत अच्छी, नहीं ज्यादा अच्छी के साथ बनाना और जल्दी बनाना। अब गरम मसाला भूलना तो सबों से पूछ लेना। बेटी खाला खा रही है, अम्मा खा रही है, और रेहान और रेजा। रेजा सही है? हाँ अच्छी लगी। रेहान को कैसी लगी? रेहान ज्यादा बिरयानी लवर है। नहीं नहीं बहुत टेस्टी है। मैं भी खा लेती हूँ, और मुझे कैसी लगी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मेरा बहुत ज्यादा नियत लग रही है। वाली लाए थे वो पहन रहे बस, ये वाली जो खालू ने पैसे बेचे थे ना, तो मैंने आपको दिखाना भूल गई थी। खाला ने ये बालियां ली थी रोज पहनने के लिए। मेरा कान दो जगह छिदा हुआ है ना, रहा था ना यहाँ पे, लेकिन पता नहीं चलता ना। पता चल रहा है, प्यार वाली बाली ठीक है। खालू को तो बोलते थैंक यू बोलते, अरे वो देखेंगे वीडियो। नहीं हमने कभी नहीं बोला है, तो कुछ और बोल दो। कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये कहेंगे कि हमने जो तुमने पैसे दिए थे तो हमने बाली ले ली। ले ली, और बोले जल्दी आ जाना। नहीं क्यों? नहीं जल्दी नहीं आना, सालू की शादी में आना। मेरी शादी पता नहीं कब होगी, जब भी कभी इंशाल्लाह तुम्हारी होगी तो सालू की शादी में आना इंशाल्लाह। अब तो बेटी खाला मेरी शादी की इतनी दुआ मांगी कि कल ही हो जाए, कि जल्दी से खालू आ जाए बस। रिजा का ना नेक्स्ट डे कंप्यूटर का एग्जाम था, तो मैं उसे फ्लो चार्ट समझाने लगी, उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। ये लाइट को यहाँ पे रख दिया, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी, अल्लाह हाफिज़।